गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मौसम बहुत ही सुहाना है क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। आप सभी जानते हैं कि ये बारिश हमारे पौधों के लिए कितनी ज़रूरी है और आज बहुत ही दिनों के बाद ये बारिश हो रही है। आज मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे में वीडियो शूट करने का अपना ही मज़ा है। तो आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ वो है एस्पेरेगस फर्न। ये प्लांट हमेशा लश ग्रीन दिखाई देता है, कम पानी, कम केयर, कम फर्टिलाइज़र में साल भर आसानी से चलता है। इवन के समर सीज़न में भी ये ऐसा ही हरा भरा बना रहता है। डोरमेंसी पीरियड पर इसके लीव्स बहुत ही कम शेड होते हैं, मतलब मैंने इसे जब से अपने पास लाया है तब से मैंने इसे ऐसे ही हरा भरा देखा है। कभी कभी पानी की कमी हो जाने पर इसके ये लीव्स थोड़ी थोड़ी येलो होने लगती हैं, पर ये कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराता है। ये हमेशा साल भर ऐसे ही हरा भरा बना रहता है। जब इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है और ये बड़ा प्लांट बन जाता है तब इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं और उन पे रेड कलर की बेरीज लगती हैं जो आगे चलकर सीड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये सीड जहाँ जहाँ भी गिरते हैं अपने आप ही एस्पेरेगस फर्न के आपको पॉट में ढेर सारे छोटे छोटे प्लांट्स मिल जाएंगे। एस्पेरेगस फर्न एक सस्ता पौधा है, ये आपको ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा, किसी भी नर्सरी पर आसानी से मिल जाएगा। मुझे ये प्लांट 50 रुपीज़ में मिला था, वो भी ब्लैक कलर की थैली में लगा हुआ। तो आप इस प्लांट को लेकर आएं और अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये इतना इजी ग्रोइंग प्लांट है कि आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ती है। बस एक बार लाकर लगा लीजिए और हमेशा इसकी हरियाली का मज़ा लीजिए। अगर आप जानते हैं कि स्पाइडर प्लांट्स के रूट्स कैसे होते हैं, अगर आपने कभी देखा है, तो सेम वैसे ही रूट्स इस प्लांट के भी होते हैं जिनमें पानी भरा रहता है। इसीलिए इस प्लांट को वाटरिंग कम की ज़रूरत होती है। ज़्यादा वाटरिंग करने पर इसकी रूट्स गल जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए जब भी इसमें पानी डालें तो सॉइल को चेक कर कर ही पानी डालें। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, दूसरे प्लांट्स में जब आप पानी डालें तो हमेशा सॉइल को चेक कर कर ही पानी डालें। सेम वही चीज़ आपको इसमें भी अप्लाई करनी है। ये बहुत ही सिंपल साधारण सा पौधा है, पर इसकी खूबसूरती बिल्कुल भी साधारण नहीं है। इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए आप इसे हैंगिंग प्लांटर में लगा सकते हैं, मग प्लांटर पर लगा सकते हैं, या फिर मेरी तरह दीवार पर रख सकते हैं। इवन कि वेस्ट कंटेनर्स में, बॉटल्स में भी लगा सकते हैं, किसी भी जगह पर इसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आती है। मैंने इसे जहाँ पर रखा है वहाँ पर आधे घंटे की सनलाइट इसे मिलती है, पर ये फुल शेडी प्लेस में भी आसानी से रह जाता है। इवन कि ये धूप में भी आसानी से चल जाता है। अगर आप इसे लाते के साथ ही धूप में रख देंगे तो इसे आदत हो जाएगी और अपने आप को उसी के अनुसार ढाल लेगा। पर अगर आपने इसे शेडी प्लेस में रखा है और आप चाहेंगे कि अचानक से आप इसे धूप में शिफ्ट कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है, उसका इस पर बुरा असर पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट फ्लारिंग करे और उस पर बेरीज भी लगें और सीड्स भी बने, तो फिर आपको इसे धूप में तो रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज ये किसी भी प्लेस में आसानी से चलने वाला प्लांट है, अंधेरे कोनों को छोड़कर। मुझे लगता है कि फर्न्स की सारी वैरायटीज़ में एस्पेरेगस फर्न सबसे आसानी से चलने वाला प्लांट है। ये ज़्यादा केयर नहीं मांगता है और ये बिल्कुल भी फसी प्लांट नहीं है। आप देखें, मुझे इस प्लांटर में इसे लगाए हुए 5-6 महीने ही हुए और मैं बिल्कुल छोटा सा प्लांट लेकर आई थी नर्सरी से। और आप इसकी ग्रोथ देखें, पहले मैंने इसे ज़मीन पर रखा था, पर इसके लटकती हुई डालियों की वजह से मुझे इसे उठाकर दीवार पर रखना पड़ा। मुझे लगता है कि जल्दी मुझे इसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी और मैं इसके बहुत सारे प्लांट्स बना लूँगी। अगर आप इसे डिवाइड करना चाहें तो इसे प्लांटर से बाहर निकालें और इसकी जो रूट्स हैं उनके साथ ही इसे डिवाइड करें, एक नाइफ की सहायता से कट कर लें
और जितने चाहे उतने प्लांटर्स बना लें। अब बात करते हैं इसकी सॉइल की, तो ये साधारण से साधारण मिट्टी में भी आसानी से चल जाता है। मैं जब इसे लाई थी तो ये बिल्कुल ही चिकनी मिट्टी में लगा हुआ था जो कलकत्ता से आती है, और उसमें भी इसकी ग्रोथ कमाल की हो रही थी। पर आप चाहें तो इसकी सॉइल बनाते टाइम एक पार्ट सॉइल ले लें, एक पार्ट कंपोस्ट ले लें, एक पार्ट सैंड ले लें, और चाहें तो थोड़ा राइस खस्क भी मिला लें, पर इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास सैंड भी नहीं है तो आप उसे भी स्किप कर सकते हैं। ये सिंपल सॉइल में भी आसानी से चलता है, इवन कि इसे कंपोस्ट की भी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। पर फर्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी प्लांट लगाएं तो उसमें एक पार्ट कंपोस्ट का ज़रूर डालें। जैसे हम हर प्लांट को साल में दो बार फर्टिलाइज़ करते हैं, वैसे ही आप इसमें एक एक दो दो मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट फरवरी मार्च में और एक बार सितंबर में डाल दें, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, आपको कभी परेशान नहीं करेगा। वाटरिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके रूट्स स्पाइडर प्लांट्स की तरह होती हैं जिनमें पानी भरा रहता है, तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है। वैसे ये पौधा आपको खुद ही बता देगा कि इसको कम पानी की ज़रूरत है या ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। जब इसमें कम पानी हम देने लगते हैं तो इसकी ये लीव्स येलो होकर गिरने लग जाती हैं, और ओवर वाटरिंग से भी सेम यही सिचुएशन होती है। तो आप हर बार वाटरिंग करने से पहले देख लें कि आपकी सॉइल कहीं गीली तो नहीं है, और अगर वो गीली है तो उसमें हरगिज़ पानी ना डालें, और अगर सूखी है तो इसको थॉरली वाटरिंग करें ताकि आपकी ड्रेनेज होल से पानी बाहर आने लग जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी पूरी मिट्टी गीली हो चुकी है और इसे पूरी तरह से पानी मिल चुका है। फिर नेक्स्ट पानी आप तभी डालें जब इसकी अपर लेयर ड्राई हो जाए, उससे पहले आप कभी भी किसी भी प्लांट में कभी पानी ना डालें। एक्चुअली हमारा प्लांट बहुत ही बर्दाश्त करता है, वो हम ही होते हैं जो इसे मार डालते हैं एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा वाटरिंग कर करके। प्लांट हमेशा जीने की कोशिश करता ही रहता है अंत समय तक। जो बिगिनर्स होते हैं, जो प्लांट्स नए नए लेकर आते हैं, उन्हें गार्डनिंग करने का, प्लांट की केयर करने का इतना शौक होता है कि वो बस पानी ही डालते रहते हैं अपने प्लांट्स में। तो आप इस सिचुएशन से बचें, प्लांट को पानी की नहीं मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। एक बार मिट्टी गीली हो जाने पर ये प्लांट कई दिनों तक उस गीली मिट्टी में जो मॉइस्चर रहता है उसके सहारे रह सकता है। तो बार बार पानी ना डालें और अपने प्लांट को जानबूझकर मारने की कोशिश ना करें। और ये तरीका हर प्लांट पर अप्लाई होता है, चाहे वो कोई भी प्लांट क्यों ना हो। तो कैसा लगा आपको ये प्लांट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी ऐसे प्लांट की तलाश है जो सस्ता है, कम केयर में चलता है और टिकाऊ है, तो इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति।